हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो में सीखेंगे कि बाजार में होटल में तो कैसे शाही पनीर बनती है। तो ये हम ग्रेवी किंग ढाबा मिराज सिनेमा के पास। तो क्या डाला आपने? नमक। और उससे पहले क्या डाल रखा है? नमक मसाला डाल रहे हैं ये। और ये कौन सी है? ये कौन सा मसाला डालो, बोलते जाओ ना। धनिया, ये लाल मसाला, लाल मिर्च है। लाल मिर्च डाली है ये मेरे ख्याल से, लाल मिर्च हुआ करोगे। और पहले क्या था? अदरक का वो पेस्ट था क्या? अदरक पेस्ट एक चम्मच कह सकते हैं। ये अब पनीर के स्लाइसेस डाल रहे हैं। तो हाफ प्लेट 90 रुपए की है, फुल प्लेट 180 रुपए की है। तो ये हमारे पनीर के स्लाइसेस डाले। तो अभी हम शाही पनीर बना रहे हैं और ग्रेवी डाल रहे हैं। तो अब जो है ये हम ग्रेवी डाल रहे हैं। ग्रेवी में क्या क्या होता है? प्याज वाली ग्रेवी है। प्याज वाली ग्रेवी है। तो लोग पूछते हैं भाई ग्रेवी क्या है? अच्छा। तो ये अभी आप क्रीम बनाएंगे? क्रीम को शाही पनीर बना रहे हैं। ग्रेवी किंग ढाबा में। और ये अमूल क्रीम डाली है। और ये क्या चीज है? बटर है। बटर डाल रहे हैं। तो एक चम्मच या एक टीएसपी बटर डाला है। और जो हमने ये डाला था ये ग्रेवी, वो कितने चम्मच डाली है? कितनी कच्ची डाली है? एक कच्ची डाली है। एक कच्ची ग्रेवी डाली है बड़ी। और अब जो है ये हाथ धोए इन्होंने शायद। ये क्या डाला है? मिश्री डाली है। तो 1/4 चम्मच आप कह सकते हैं। और इसको थोड़ा सा गर्म करना है। तो आपको ये हम दिखा देते हैं कितनी आंच में करें। तो तेज आंच में ये गर्म करें। तो ये हमारी शाही पनीर बन गई है। तो देखते हैं कब तक तैयार होती है। तो आपको यहाँ पर कढ़ाई पनीर और चाप की कई वैरायटी होती है। ग्रेवी चाप, अफगानी चाप, क्रीम चाप, कई प्रकार की चाप होती है। तो ये टेस्ट करके देख रहे हैं भाई स्वाद कैसा है। मैंने इस बार रंग नहीं डाला और ये शायद थोड़ी सी चीनी डाले। तो रंग नहीं डालता, स्वाद अनुसार मीठा डालना होता है। और बेहतर स्वाद के लिए आप घर में जो है किशमिश काजू पीस कर डाल सकते हैं, जैसे काजू को तोड़ कर डाल सकते हैं। ये हमारी शाही पनीर तैयार हो गई है। तो ये हम पैक कर रहे हैं। तो हाफ प्लेट 90 रुपीज और फुल प्लेट जो है 180 रुपए की। और फिर जो है ये अमूल क्रीम। और इसमें जो है आप ये थोड़ा सा घी डाल रहे हैं। तो इसमें स्वाद अनुसार आप जो है कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं। इसमें इन्होंने इस बार नहीं डाली है पर पहले डालते थे। तो इसमें कैसे बनाते हो ये? इसमें पहले रिफाइन डालते हैं थोड़ा। अच्छा, उसमें अदरक लहसुन डालते हैं। अच्छा अच्छा। फिर थोड़ा कस्तूरी मेथी डालते हैं और मसाला डालते हैं फिर उसमें। अच्छा। हाँ जी। फिर उसमें पनीर भून देते हैं, उसको थोड़ा पकाते हैं। अच्छा। उसके बाद ग्रेवी डालते हैं हम। अच्छा। ग्रेवी की डालने के बाद थोड़ा ग्रेवी पकता है। उसके बाद क्रीम डालते हैं, थोड़ा मक्खन डालते हैं। फिर जो उसको तैयार हो जाते हैं, उसके बाद पैक हो जाता है। ये है ग्रेवी किंग ढाबा में। आपको जो है ये 100 रुपए की थाली है। इसमें चार रोटी है, सलाद, नींबू, बॉइल्ड चावल, सब्जी, दाल और दही। तो ये 100 रुपए की थाली है। फिर 120, फिर 100 शाही भी है, शायद वो 150 रुपए की होगी। अब हमने मतलब गुलाब सिंह चौक पे हमारी ग्रेवी किंग एंड खाना खजाना की एक ब्रांच खोली है। उसके बाद हमने एक नई ब्रांच खोली है ग्रेवी किंग ढाबा, जो कि हमारा मिराज सिनेमा जो नया जो खुला है रेड स्कूल मार्केट में, उसके साथ में हमारा पालकी होटल है, उसके साथ में हमारी ब्रांच है। यहाँ पे हमने तंदूरी चाय प्लस में हॉट डॉग, बर्गर और सैंडविच और हमारा खाना जो कि फेमस है हिसार में, वो लेके आए हैं आपकी सेवा में। आप तंदूरी चाय का और जायका जरूर लें यहाँ पे आके। ये हमारी विनती आप लोगों से। तो ये है ग्रेवी किंग ढाबा मिराज सिनेमा के बिल्कुल साथ वाली गली। तो इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चैनल है सुखदेव तनेजा, इसके नीचे यहाँ पर रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आपने जस्ट टच करना, तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया। अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट चाहते हैं अपने मोबाइल या टेबलेट पे, तो ये बेल वाला आइकन है, इसको आपने टच करना है, तो आप जो है सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या टेबलेट पे आएंगे।